इसके हाउस प्लान एंड इनसाइड एंड आउटसाइड वॉल 5 इंच वॉल एंड दिस इज विंडो एंड वेंटिलेशन पोर्शन ओके एंड दिस इज 750 स्क्वायर फीट 2 BHK सिंगल फैमिली के लिए हाउस बिल्डिंग प्लान है। तो अगर स्मॉल साइज का प्लान के साथ देखिए, इसमें जो डोर यहाँ पर हमने रखा है ऐसे ओके, तो उसके बाद इधर देखिए डोर है और इधर डोर। तो इसमें जो हमने रखा है 25x30 का बिल्डिंग प्लान, तो क्या क्या है इसमें देखिए, 25 फीट का मेज़रमेंट हो गया और इस पर 30 फीट का मेज़रमेंट। तो इसमें आपको 750 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान मिलेगा, 750 स्क्वायर फीट ओके। और बिल्डिंग कॉस्ट, बिल्डिंग का खर्च भी आएगा आपका 12 to 15 lakhs ओके। किसी को अगर 2 बेडरूम के साथ 750 स्क्वायर फीट के अंदर घर बनाने हैं 12 to 15 lakhs के अंदर, तो वो इस प्लान के मुताबिक बिल्डिंग कर सकते हैं। तो पहले एंट्रेंस से स्टार्ट करेंगे, एंट्रेंस जहाँ पे हम जहाँ से हम घर के अंदर जाएंगे, तो 4 feet 11 inch का डिस्टेंस में हम एक यहाँ पर पैसेज रखेंगे ओके। और इधर हम रखेंगे आप जहाँ पर हम स्टेयर्स ऊपर आएंगे, तो इधर का नीचे का पोर्शन आपका ओपन हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपका इधर एक बैठने का जगह मिल जाएगा ओके। तो इधर भी हमने देखिए 3 फीट का जो लैंडिंग हमने यहाँ पर रखा है 3 फीट का पैसेज के साथ ओके। टोटल इसका डिस्टेंस है 8 feet 10 inch टोटल डिस्टेंस हो गया हमारे स्टेयर का पार्ट। नेक्स्ट हम जाएंगे बेडरूम के अंदर, तो बेडरूम के अंदर जाने के बाद उसका मेज़रमेंट हम करेंगे। तो कैसे करेंगे मेज़रमेंट, एक एक साइड करके, इधर का साइड 10 फीट और इधर का साइड 12 फीट, टोटल 120 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग का जो है एक बेडरूम ओके। नेक्स्ट हम जाएंगे इधर डोर देकर टॉयलेट, तो अटैच टॉयलेट है इसमें और यहाँ पर डक्ट ओके। इसमें वेंटिलेशन है, इसमें भी वेंटिलेशन है और इसका भी वेंटिलेशन, इधर आएगा विंडो वेंटिलेशन ओके। तो टॉयलेट जैसे कि एक साइड में हमने 7 फीट और एक साइड में 5 फीट रखे टॉयलेट को सेट किया है 35 स्क्वायर फीट में ओके। 35 स्क्वायर फीट में हमने टॉयलेट को सेट किया इधर। नेक्स्ट हम जाएंगे नेक्स्ट बेडरूम के अंदर, तो इस बेडरूम के अंदर हम आने के बाद यहाँ पर हम इसका मेज़रमेंट करेंगे। तो इधर मेज़रमेंट कुछ और ही है, इधर जो है हमारा 10 फीट और इधर जो है 11 फीट 4 इंच ओके। ये भी आपको 120 स्क्वायर फीट की कुछ नज़दीक है। इसके बाद हम जाएंगे इधर ओपन किचन, ओपन किचन जैसे कि हमने यहाँ पर रखा है अंदर में एक साइड में 8 feet 9 inch और एक साइड में रखा है 7 feet, तो ये भी 60 से 63 स्क्वायर फीट के अंदर है। इसके बाद डोर, बाथ एंड लैट्रिन, तो ये जो प्लान के मुताबिक है इधर 4 feet 7 inch और इधर जो है 7 feet। इसके बाद इधर आएंगे डाइनिंग, एक साइड में हम डाइनिंग, एक साइड में ड्राइंग
और सोफ़ा सेट के हिसाब से हम यहाँ पर सोफ़ा रखा है, तो टोटल इसका लेंथ कितना होगा? इसमें जो लेंथ है इधर 13 फीट 9 इंच, और दूसरा साइड में 11 फीट 2 इंच। ओके, ऐसे रहेगा। तो इसमें आपको टोटल बिल्डिंग प्लान का डिटेल्स मिल जाएगा। नेक्स्ट, तो बिल्डिंग प्लान करने के बाद इसका कलम और इसका बीम का पोजीशन हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें आपका बिल्डिंग जो बीम कॉलम प्रोवाइड करने से बिल्डिंग का जो स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें हम इसलिए यहाँ पर बीम कॉलम का पोजीशन रखेंगे। हो गया इस रो का बीम और कॉलम। उसके बाद इस यहाँ पर एक रो है, इसमें हमको बीम कॉलम प्रोवाइड करना है। तो इसमें हम जो हमारा कॉलम का पोजीशन है, हम स्टेयर के चार कोने में चार कॉलम प्रोवाइड करेंगे। हाँ, इसमें हमको करना ही चाहिए, ऐसे हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, इसके बाद देखिए, और कॉलम मुझे लगता है नहीं लगेगा, इस कॉलम से कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉलम आपको मिल गया, आपको बिल्डिंग का कितने स्क्वायर फीट ये भी मिल गया। तो प्लान आप देखिए, प्लान अच्छे लगे तो लाइक कर देना।